नमस्कार, आप देख रहे बुलंद मीडिया और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। अयोध्या में दिवाली मनाने के बाद अब काशी में देव दिवाली मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है और कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार को ही बनारस में देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन काशी में देवता धरती पर उतरकर दिवाली मनाते हैं और काशी में देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों पुरानी मानी गई है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव की जीत का प्रतीक भी माना गया है। आइए देखते हैं जुड़ी कुछ खास जानकारी। देव दीपावली का पर्व काशी में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव की नगरी काशी संस्कृति और परंपरा प्राचीन काल से ही धार्मिक रही है और देव दीपावली के दिन इस शहर को दीपों से सजाया जाता है, उसकी जगमगाहट देखने के लायक रहती है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवान श्री राम अधर्मी रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और इसीलिए कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि दिवाली के बाद देव दिवाली या फिर देव दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा काफी ज्यादा पुरानी है। देव दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर त्रिपुरासुर राक्षस का आतंक फैल गया था, जिससे कि हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। तब देवगणों ने भगवान शिव से एक राक्षस के संहार का निवेदन किया। इसे स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया और इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का आभार व्यक्त करने के लिए काशी आए। जिस दिन इस अत्याचारी राक्षस का वध हुआ और देवता काशी में उतरे, उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी और इस दौरान देवताओं ने काशी में अनेकों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी और यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी काशी में देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि ये दिवाली देवों ने मनाई थी और इसीलिए इसे देव दिवाली या फिर देव दीपावली कहा जाता है। तो ये थी बुलंद मीडिया की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रही बुलंद मीडिया के साथ।